गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चौंक गए होंगे, गुड आफ्टरनून कहते ही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग सलोनी जी, गुड मॉर्निंग प्रीति जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। तो आप सभी को, जो भी नए हो, जो भी नए जुड़ते हैं हमारे साथ, उन सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो MCQ चल रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न से आप क्वेश्चन उठाओगे, यानी टेस्ट सीरीज भी देते हो, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आपको मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वो इन्हीं से संबंधित होंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? चलो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, जिससे क्या है कि आपको जो PDF नोट्स क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन, साइंस की क्लासें अपलोड करने के लिए आपके अपलोड हो चुकी है, मंडे से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, समझ लेना। ठीक है, चलो तो देखिए दोस्तों, आपको मैं फिर बता देता हूँ एक बार जो आपकी क्लासें हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, देखिए CTET और HTET के लिए आपके 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, और देखो थ्योरी सभी की कंप्लीट हो चुकी है। क्या है, थ्योरी सभी की कंप्लीट हो चुकी है, और उसके अंदर आपके सभी के MCQ स्टार्ट हो चुके हैं। MCQ में किसी को भी कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, मैथ की 10 बजे क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की, 3 बजे आपकी CDP की, 6 बजे EVS की, और आपके 10 बजे शाम को होती है हिंदी की क्लासें। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासों के बारे में, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। जो आज के आपके MCQ है वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई बात नहीं है उसमें। थ्योरी भी अगर जिसने नहीं की है, MCQ में भी मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको समझाने की। ठीक है, फिर भी कोई परेशानी आती है तो बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए, कल भी मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, और आज भी मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि आज आपकी गलतियां ना हो। ठीक है, कल भी जिसने गलती की थी, आज वो गलती मत करना। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जो भी आंसर हो आपका। ठीक है, चलो तो हो जाइए शुरू, बता दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप से मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा। कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे मैथ के अंदर। तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि सर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे मिला नहीं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। विद्यार्थी कम जुड़ रहे हैं, क्या बात है, MCQ में मजा नहीं आ रहा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिल्कुल प्रीति जी, आप अगर न्यू हो, देखो अगर स्टार्टिंग की क्लास सही है आपको तो आप YouTube पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी आपकी अब तक क्लासें हुई है प्लेलिस्ट में आपको सारी अब तक की पूरी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। थ्योरी से लेकर अब तक जितने MCQ हम कवर किए हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कर सकते हम। MCQ मैं आपको इसी प्रकार बताता हूँ कि आप अगर थ्योरी भी नहीं कर रहे हो तो भी मैं आपको MCQ पूरी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
प्रॉब्लम आ रही है क्या? बिल्कुल, आप पूरी पूरी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट की जितनी क्लासें अब तक हमने अपलोड की है वो सभी मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी साइंस की क्लासें अपलोड मैंने कर दी है, 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। मंडे से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। 1 बजे आपका गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो जरूर पूछिएगा, और इसका आंसर अगर आपके नहीं आता है तो मैं देखो आपको शुरू से ही बताता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके शुरू से ही आपको मैं वो चीज़ें करवा सकूँ, ठीक है, शुरू से ही मैं आपको वो चीज़ें कवर करवा सकूँ। ये मेरा पूरा पूरा विचार रहता है कि मैं आपको परेशान ना होने दूँ, ठीक है। सुमन यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो इसके अंदर बता दीजिए किसका आंसर आया है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किसी को भी अगर कोई परेशानी हो तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कल मैंने आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा था, जब भी आपकी इस प्रकार की भिन्नें दी हुई हो पहले उस भिन्नों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस भिन्न को हम किस प्रकार रख सकते हैं, 4 3 12 होता है, यानी पहले तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर प्लस 1 करता हूँ ऊपर वाली संख्या से, और नीचे आपके जो 3 है वो ऐसे का ऐसा रहता है। कहा था ना मैंने, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप भिन्न बना के। फिर भी अगर इस प्रकार से नहीं हो तो आपको क्या करना है, जो ये दी हुई है इसका मतलब ये होता है कि 4 + 1/3, अगर इसको इस प्रकार भी सोल्व करते हो तब भी आपका आंसर वही होगा जो इस प्रकार करोगे, ठीक है, वैसा ही आंसर होगा आपका। तो इसको आप इस प्रकार भी रख सकते हो, तो मैंने सभी संख्याओं को इसी प्रकार रखा है कि 5 सही, 1/5 है उसको मैंने 5 अलग किया है, प्लस 1/5 मैंने अलग रख दिया है, यानी फ्रैक्शन वाली मात अलग रख दिया है और संख्याओं को मैंने अलग रख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 1/2 यहाँ पर होता है, प्लस 1/3 यहाँ पर होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब कीजिए, 5 4 9 हो गए आपके पास, 9 और 4 13 होता है, तो यानी आपका आंसर देखो 14 तो बनने से रहा, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए आपके, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना मैं सिखा रहा हूँ। तो 13 इनमें से या तो आंसर ये होगा या आंसर आपका ये होगा, ठीक है, 13 होगा। अब आपको देखो क्या करना है, तो आपको देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हुआ आपके पास, 5 × 2 = 10 और 10 × 3 होता है 30। एलसीएम इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एलसीएम आपके पास कितना आया, 30, ठीक है। 5 की टेबल में आपके पास 30 कितने बार में आया, 6 बार में, 6 को अगर मैं ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाता है, प्लस आपके पास होता है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 15। यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे 10 हो गया, 10 को ऊपर वाली संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये कैलकुलेशन हो गई है, आपके पास कितनी, आपके पास 13 सही इतना रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, कितना हुआ, 15 तो आपके पास ये है, 15 के बाद में 10 आपके पास ये है, 25 हो गए, 25 में अगर मैं 6 को ऐड करता हूँ तो 31 होता है, कितना होता है, 31 होता है, बटे 30 बनता है, इनटू आपके पास 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपके आंसर ये बनना चाहिए, लेकिन आपके पास आंसर क्या बना है, इस प्रकार से आंसर आना चाहिए, लेकिन इसमें से कहीं भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसमें एक कारण हो सकता है, देखिए इसमें इसको ध्यान से देखिएगा, 13 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस आपके पास कितना है, 31/30 है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें 30 के अंदर में अगर 31 में डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, कितना होगा ये बता दीजिए, कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 30 को अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो एक बार चला जाएगा, कितना जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो फिर इसको क्या रख सकते हैं, हम इसको हम रख सकते हैं 1+1/30, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, और 13 आपके पास ये है, तो भैया इसमें देखो उल्टा सिस्टम हो गया है, आंसर हमने जो काटे हैं वही आंसर बन रहे हैं। देखिए कितना हुआ, 13 और 1 कितना हुआ, 14, प्लस आपके पास कितना हुआ, 1/30, इसको हम किस प्रकार रख सकते हैं, 14 सही 1/30, तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ये होगा, बिल्कुल राइट आंसर, जिसने हमने गलत किया था वही आपका आंसर होगा। अब कारण देखिए, अगर आपका इस प्रकार होता, यानी आपके पास अगर यहाँ पर 31 नहीं होता तब तो आपका आंसर कुछ और होता, लेकिन 31 दिया हुआ है, यानी कि एक बार 30 की टेबल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, जाएगा ही जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना,
आंसर में आपको गड़बड़ हो सकती है। मैंने भी पहले यही सोचा था कि आपके पास 13 होगा, लेकिन ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है? बिल्कुल राधे 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 माही जी, राधे 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 कृष्णा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखो नजर आया गया होगा, हमने जो पहले कैंसिल किए थे 14 वाले, तो देखो 14 ही आंसर है आपका। कितना आंसर है? 14 ही आंसर है। बताइए इस क्वेश्चन को समझ रहे हो या नहीं समझे, या दोबारा से समझाना है? एक बार दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को। ओके चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, शुरू से समझा देता हूँ एक बार, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है? हमने भी कुछ चीजें छोड़ दी है इसके अंदर, जो मैं आपको और भी चीजें कवर करवा दूंगा, ठीक है? एक मिनट, शुरू से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जिसमें भी कोई परेशानी हो आपको, ठीक है? चलो अच्छी बात है। चलो यहां पर देखिए, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, मैंने किया 5 अलग लिख दिया, प्लस 4 अलग लिख दिया, ठीक है? 4 लिख दिया प्लस, फिर ये 4 है, ये भी 4 मैंने अलग कर दिया, ठीक है? उसके बाद में जितने बटे में संख्या है आपके पास फ्रैक्शन में, 1/5 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं है ना? यानी मैंने आपको जो तरीका सिखाया है यहाँ पर, जो भिन्नों को खोलने का, वही करना है। देखो इनको ऐड करते हो तो आपके पास 13 बनता है, प्लस आपके पास ये बन रहा है, और ये वाली संख्याओं का अगर एलसीएम करते हो आप, तो एलसीएम कितना होता है? 13। यहाँ पर इसको ही सोल्व करके देखना है, फिर बाद में बताना है, ठीक है? 13 हो गया है, 5 की टेबल में 13 आपके 6 बार आता है, फिर इसके अंदर देखोगे तो ये 15 हो गया आपके पास, और यहाँ पे करोगे तो आपके पास 10 हो गया। अगर मैं इनको एड करता हूँ तो आपके पास कितना बनेगा? 31/30, यही बनेगा ना? अगर बात ऐसी है तो अगर मैं क्या करूंगा, 31 दिया हुआ है, इसमें अगर 30 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब यही तो होता है, इसको डिवाइड करना है, तो कितना बनता है? मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन को आपको मिश्रित भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है? तो ये 30 की टेबल में आपके पास 30 हो जाएगा, 1 बच गया आपके पास शेष पर। तो देखो ये जो यहाँ पर आंसर आता है उसको रखना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर रख दिया, प्लस आपके पास दिया हुआ है, या प्लस भी नहीं करते हो तो आपके पास जो शेषफल बचता है उसको रखते हैं ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर जो 13 दिया हुआ है जिसकी टेबल से, तो आपके पास आंसर ये बनेगा, और फिर भी आंसर ये बनता है, तो फिर मैंने इसको क्या कहा था? इसी प्रकार की भिन्न है, और इस प्रकार की भिन्न को हम किस प्रकार रखते हैं? 1+1/30 इसी प्रकार रखते हैं, तो आपके पास कितना हुआ? 13 और 1 14, 14+1/30। अगर इस प्रकार अगर आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वो भी ठीक है, अगर ये नहीं देकर आपको इस प्रकार दिया है 14 सही 1/30, तो आपके आंसर यही होगा, और ये ऑप्शन आपके पास डी है कि नहीं है? बिल्कुल ओके। पीछे का नहीं आ रहा, देख लीजिए पीछे का आ जाएगा। आ चुका है क्या? बिल्कुल, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो, देख दिख जाएगा, ठीक है? अब तो क्लियर है, किसी को अगर कोई परेशानी हो फिर भी तो पूछ सकता है कि ये सर ये परेशानी आ रही है, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो। अब ठीक है, चलो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा सभी के? बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा डी। हो गया डी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट का अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं आपके, तो साइट का सभी को पता है flipform.com, तो उसपे जाइए। अगर उस पे जाओगे तो आपकी जैसे साइट खुलेगी तो आपको वहां पर सीटेट, जो सीटेट के बंदे हैं वो सीटेट के, और जो यूजीसी नेट के लिए हैं वो यूजीसी नेट के लिए जाइए, और वहां पर सीटेट के अंदर जाओगे,
वीडियो बनवा दूंगा मैं मैम से, सर से कहकर, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे कि कैसे आप पीडीएफ या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कैसे वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आपको पीडीएफ करने में कोई परेशानी आती है, उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करवा देंगे, ठीक है। साइट पे ही मिलेगा आपको, जितने पीडीएफ हैं वो सब साइट पे मिलेंगे। साइट पे जाओगे तो वहां पर पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। चलो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखो पेमेंट के लिए अभी तक कोई बात नहीं है, फिर भी सर से पूछ लूंगा मैं, ठीक है, मुझे इस चीज का पता नहीं है, ठीक है, पेमेंट के लिए बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिख लो अगर जिसको पता नहीं है, वैसे आगे आगे मिलेगा, पीछे भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, 8209837844, ठीक है, ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हो जो भी आपके पास क्वेरी हो, ठीक है, उसके बारे में। चलो तो इस पे जाके आप पूछ सकते हो कि इस पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। टू के अंदर आपका आंसर आ रहा है, ए बताया जा रहा है, रोहित जी का आंसर आया है सबसे पहले, चलो देखते हैं रोहित जी का आंसर, टू ए आया है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्या बात है, देखो आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैंने बार बार आपसे कहा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका आंसर बन पाएगा। देखिए ध्यान से देखोगे, एक कक्षा के 3/3 छात्रों को या तो अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती है, दोनों विषय में से एक विषय नहीं आती है, या तो अंग्रेजी नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है, ठीक है, 3/4 को या तो इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है, ठीक है ना, ये दोनों नहीं आती है। तो आने वाले कितने हैं जिसको हिंदी या अंग्रेजी दोनों आती है, तो कितने हो गए, मैंने कल कहा था आपको, अभी मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि टोटल आपके पास जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, मतलब पूरे का आंसर आपके पास क्या है, एक है, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी कितने हैं, एक है, जिसमें से 3/4 तो इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, इनमें से या तो हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है। अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसको इंग्लिश या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, तो देखो इसका आपको क्या करना है, 1 - 3/4 करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 1/4, 1/4 बनेगा। ये 1/4 कितने, कौन से लोग हैं जिनको या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, ऐसे व्यक्ति हैं ये दोनों, ठीक है, 1/4 कितने व्यक्ति हैं, या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, ठीक है, ये बात आगे था। अब देखिए, लेकिन 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं, इनमें से क्या करना है, 1/6 छात्र इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, कितने छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं ये बताना है आपको, ठीक है, तो टोटल आपके पास 1/4 है, ठीक है। यदि हिंदी जानने वाले छात्र कक्षा में कुल छात्रों के 1/8 है, यानी जितने भी छात्र हैं, यानी एक छात्र है, तो एक का 1/8 आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/8 आपके पास दिया हुआ है, यानी कि आपके हिंदी जानने वाले दोनों को ऐड करोगे, कि इंग्लिश जानने वाले हिंदी जानने वाले, हमको टोटल बताना है ना, ठीक है, टोटल कितने, दोनों को, दोनों जानने वाले, ठीक है, दोनों जानने वाले। तो मैंने आपको जब भी कहा था भाई 20% के बारे में भी सिखाया था, तब मैंने कहा था कि 20% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, सिखाया था ना ये चीज, बस वही काम करना है, जो इस चीज को सीख गया उसमें इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो देखो कितना हो गया, 24 हो गया है, एलसीएम कितना हुआ, 24, ठीक है, जहां भी परेशानी आए पूछ लेना, तो 24 हो गया, दोनों को ऐड करते हैं तो 24 होते ही आपके पास एलसीएम हो गया, ठीक है, नीचे वाला। अब 6 * 4=24 बनता है, ठीक है, उसके बाद में 8 * 3=24 बनता है, तो आपके पास कितना आता है, 7/24, कितना आया, 7/24, और ये 7/24 क्या है, दोनों के टोटल मान सकते हो, ठीक है, मान सकते हो कि हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, टोटल हमारे पास दिए हुए हैं 1/4,
तो इसमें से क्या करना है, सिर्फ आपको 1/4 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है। अगर जिसने ये तरीका सीखा था कि 20 व्यक्ति 30 व्यक्ति को ऐड कर कर दोनों के बारे में पूछा जाता है, आपके जैसे मैंने 70 कर दिया तो दोनों का आंसर बताना है कि दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, दोनों को ऐड करके इसमें से घटाया जाता था, घटाया जाता था कि नहीं घटाया जाता, कहा था मैंने इस प्रकार के, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाती हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखना, मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ इससे रिलेटेड। चलो तो फिर आपके इसमें कितना आंसर आया है, 7/24 आपके पास आया है, 7/24 इसमें से माइनस कर दो 1/4, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया देखते हैं, एलसीएम वही 24 हुआ है, ठीक है। 7 आपके पास दिया हुआ है, माइनस है, 4 × 6 = 24 होता है, 6 हो गया है, तो यानी 1/ आपके पास 24। तो बताइए आपका आंसर किसी का भी 1/24 आया है क्या, और आपके पास ए आंसर है, और आंसर भी आया है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल रोहित जी का आंसर ए आया है, ठीक है बिल्कुल, और खुशबू जी का आंसर भी ए आया है, स्वाति जी देसवाल का भी आंसर ए आया है, बिल्कुल। तो आपको अब कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा से देख लेना इसको कि कहाँ आपके क्या परेशानी आई है, आपने क्या उल्टा सुलटा कर दिया है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका लगभग ठीक ही था, कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन को पढ़ने में, या कहीं और प्रॉब्लम कर दी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने शुरू से आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर जिसने क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, ठीक है, यानी कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, और मैंने ये तरीके भी थे आपको दो दो तीन तीन तरीके से सिखाया है, और एक सबसे बेस्ट तरीका सिखाया है कि तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे आपका और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके पास तीन भिन्न है, सेम है, 5/8, 9/13, 11/17, इसमें भी 5/8, 11/17, 9/13, यानी कि तीन भिन्न आपके पास है, 5/8 दिया हुआ, 9/13 दिया हुआ है, 11/17 दिया हुआ है, तीन भिन्न है, सारे में यही भिन्न है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी भिन्न, ठीक है। आंसर दीजिए इसका, सभी को आंसर देना है, चाहे सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, पर आंसर देना है। आंसर से आपको पता चल जाता है कि आपने कहां पे क्या गलती की है, कैलकुलेशन में गलती की है, या कुछ और जगह गलती की है, या क्वेश्चन समझने में परेशानी आई है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर तो सभी जानते होंगे, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है, घटता हुआ क्रम होता है। थ्री आंसर आया है, थ्री में फोर आंसर आया है, ए आंसर भी आया है, चलो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ए आंसर की तरफ आ रहा है अधिकतर, बी डी आंसर भी आ रहा है, चलो।